फर्स्ट गियर में हमने बाइक को रख दिया है, अब वहां तक जाते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टायर्स है वो अब आपको वाइड टायर्स मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू होंडा की SP125 का न्यू मॉडल। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट है जो कि अभी 2023 का है। और फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे इस बाइक का एक छोटा सा ब्रेकिंग टेस्ट परफॉर्म करने वाले, देखते हैं। बाइक का जो टायर्स है, आपको पता होगा कि कंपनी ने यहाँ पे वाइड कर दिया, अब आपको वाइडर टायर्स मिलता है। रियर में 100 सेक्शन का अब आपको टायर मिल रहा है, 100x80 का। और ये बिल्कुल ही न्यू कलर ऑप्शन है। और इसके अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो बाइक ऑन रोड जा रही है 1,05,500 रुपए के अप्रॉक्स में। और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शिवम होंडा के गोडाउन पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं, ये कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ही न्यू कलर है। तो सबसे पहले हम बाइक पर बैठते हैं, बैठ करके आपको एग्जॉस्ट नोट इस बाइक का सुनाते हैं। ऐसा यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एग्जॉस्ट नोट मिलता है। अब एक बार हम बाइक को राइड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो ब्रेक है रेयर का वो हम टेस्ट करते हैं कि वाइडर टायर्स आने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो कैसा मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से हम वहाँ तक जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ब्रेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। फर्स्ट गियर में हमने बाइक को रख दिया है, अब वहाँ तक जाते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टायर्स है वो अब आपको वाइड टायर्स मिल रहा है। थोड़ा सा हम एक टर्न और लेते हैं, एक टर्न हम यहाँ पे और लेते हैं तो वाइडर टायर्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, जिससे कि बाइक का जो यहाँ पे फ्रेंड्स अब परफॉर्मेंस है, काफी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि नहीं यहाँ पे वाइडर टायर्स आना चाहिए, काफी पतला टायर कंपनी दे रही है, तो कंपनी ने फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आपको वाइडर टायर्स दे दिया है। और अब अगर हम बात करते हैं पहले से, तो बाइक यहाँ पर राइडिंग में भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। और बाइक का लुक्स अगर आप देखते हैं तो इस कलर ऑप्शन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने बाइक को राइड कर लिया है और राइडिंग के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ कि बाइक के कम्फर्ट में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि पहले भी फ्रेंड्स अभी हमने बाइक यहाँ पर राइड किया था तो उस टाइम पर भी बाइक चलाने में काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर हम बात करते हैं कम्फर्ट का, तो सीट हाइट का आप आइडिया लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और टैंक का जो पोजीशन अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रखा गया है, मतलब अगर आप खुद के लिए भी बाइक लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपके फादर या फिर अगर आपके कोई चाचा वगैरह वो भी साथ में राइड कर सकते हैं, मतलब फैमिली पर्पज से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सीट का कंफर्ट अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक पूरी की पूरी है कि आप खुद ही चला पाएंगे, और माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाता है। बाकी सीट का जो लेंथ है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रखा है कंपनी ने, मीटर भी आपको अच्छा विजिबिलिटी के साथ मिल जाता है। तो ये कलर ऑप्शन आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बता दें। पर्सनली मुझे ये जो कलर ऑप्शन है वो इस बार यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है। तो बस आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं पर एंड करेंगे। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई हो, अगर आपको बाइक लेना है तो शोरूम विजिट कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।